Hey everyone, welcome to PyLogyATs. आप लोगों ने अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि YouTube पर भी कई चैनल्स पर ही कहते सुना होगा कि चिंता मत करो बच्चों, बिना चिंता करे हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन क्या करो। मैंने भी अपने YouTube चैनल पर काफी वीडियोस में ये तक कहा है कि मेरी नानी बचपन से कहा करती थी कि चिंता चिता के समान होती है। किसी भी चीज में अगर आप चिंता कर रहे हो तो उस चिंता करने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब मेरा ये भी मानना है कि एक मिनिमम लेवल की चिंता बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों की सुबह की ट्रेन हो, बस हो या फिर फ्लाइट रही हो, नॉर्मली आप लोग 8-8:30 बजे उठते हो, लेकिन आपकी ट्रेन या बस की जो टाइमिंग थी वो सुबह के 5-6 बजे की थी। उस दिन क्या होता है, आप लोग अलार्म लगाते हो लेकिन दिमाग में वो घूमता रहता है रात भर भी ना कि सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी है या फिर मुझे बस पकड़नी है। तो कई बार अलार्म बजने से पहले ही आप लोग उठ जाते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन में वो मिनिमम लेवल की चिंता थी जिसकी वजह से आप लोग अलार्म बजने से पहले ही उठ गए। आप लोग अवेयर थे कि ट्रेन पकड़ना, टाइम पर बस पकड़ना या फिर फ्लाइट पकड़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नीट की प्रिपरेशन करते हुए भी बच्चों एक मिनिमम लेवल की चिंता जरूरी है जो कि नीट 2024 प्रिपरेशन में आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि आप लोगों के पास एक साल है और इस एक साल के ड्यूरेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तभी जाकर आप अपनी बस, आप अपनी ट्रेन, आप अपनी नीट 2024 के जरिए MBBS की सीट पकड़ पाओगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 गोल्डन टिप्स देने वाली हूं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं जिसकी वजह से आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी। सबसे पहले बच्चे, काफी बच्चे मुझे YouTube चैनल पर कमेंट्स में पूछते हैं कि दी हमें नीट की प्रिपरेशन करते हुए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, ये कोई फैक्ट नहीं है कि जो बच्चा 15-16 घंटे पढ़ेगा उसी का नीट क्रैक होगा या फिर जो बच्चा 6-7 घंटे पढ़ेगा उसका नीट क्रैक नहीं होगा। नंबर ऑफ आवर्स नहीं डिसाइड करता है कि आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होने वाला है या फिर नहीं। इट डिपेंड्स कि जितने भी घंटे आप लोग पढ़ रहे हो क्या वो क्वालिटेटिव स्टडी जा रही है। अगर आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो और स्कूल के बाद नीट की प्रिपरेशन करने के लिए 7-8 घंटे निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग डेली के 2 घंटे पढ़ो बच्चों। लेकिन ये 2 घंटे भी ऐसे पढ़ो कि इस 2 घंटे की मेहनत उन बच्चों को कंपीट कर सके जो कि डेली के 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं। वो कैसे होगा? आपकी 2 घंटे की स्टडी बहुत क्वालिटेटिव जाएगी, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। सेम गोज विद पार्शल ड्रॉपर्स। अगर आप लोग कॉलेज से शाम के 4-5 बजे घर आते हैं, थक जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम देना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तो डेली के 1.5 से 2 घंटे भी आप लोग अगर कंसिस्टेंसी रखते हुए पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स के पीछे मत भागिए, बस एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लीजिए कि हर दिन मुझे चाहे कुछ भी हो जाए 1 घंटा या फिर हर दिन मुझे 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे घर पर फंक्शन हो, चाहे मुझे लग रहा है आज मेरी तबीयत बड़ी खराब चल रही है, मैं कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, उस 2 घंटे में पुराने पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूंगा, रिविजन कर लूंगा। बस ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी है। स्टडी आवर्स के पीछे नहीं भागूंगा, क्वालिटी के पीछे भागूंगा और मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा। अब 2 सीक्रेट टिप्स बता रही हूं बच्चों जो शायद ही आपने किसी यूट्यूब चैनल पर कभी किसी क्रिएटर से सुने होंगे। सबसे पहले, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं ना बच्चों, कोशिश क्या करो, आप लोग टीचर के पास बैठो, क्लासरूम में फ्रंट रोज में बैठो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, कभी तुमने देखा है स्कूल में भी जब हम लोग क्लास में टीचर के पास बैठते हैं ना, बड़े अटेंटिव रहते हैं क्योंकि हमें लगता है टीचर का ध्यान हम पर ही है, तो ना चाहते हुए भी हमें उस टॉपिक पर, टीचर जो कह रहा है उस पर फोकस करना पड़ता है। देखो, हर बार तुम्हें फ्रंट रो वाली सीट मिले जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश क्या करो कि टाइम से तुम लोग अपने कोचिंग पहुंच जाओ ताकि फ्रंट रोज में तुम लोग बैठ सको। बार बार वो बैक बेंचर बनने की आदत प्लीज मत डाला करो। फ्रंट रो में रहोगे, अटेंटिव रहोगे, टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसी टाइम पर तुम्हें समझ आ जाएगा। बार बार रिवीजन ना भी हो पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक का, कम से कम क्लास में जो पढ़ा है वो तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहली सीक्रेट टिप यही है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो ऑफलाइन कोचिंग जाते हुए कोशिश क्या करो कि फ्रंट रो में टीचर के सामने बैठकर पढ़ाई करनी है ताकि जो टीचर बोले मुझे ढंग से सुनाई दे, अपने डाउट्स भी मैं इजिली पूछ सकूं और उसी टाइम पढ़ा हुआ मुझे ढंग से समझ आ सके। अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, इस टाइम पर तुम्हें ही डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। कोई बार बार डंडा लेते हुए तुम्हारे पास नहीं आएगा कि पढ़, ध्यान से पढ़, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन आ रही है वो मत चेक करने लग जा। तुम्हें खुद को खुद ही समझाना पड़ेगा, कोई बाहर वाला तुम्हें आके रिमाइंड नहीं कर पाएगा, कोई बाहर वाला अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेगा कि तुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तू अगर क्लास अटेंड कर रहा है ऑनलाइन तो सिर्फ क्लास पर ही ध्यान देना है। तुम्हें बार बार खुद को खुद ही रिमाइंड करवाना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके 12th वाले स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन मैनेज कर रहे हैं। इन बच्चों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज रहता है कि बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज होगी, मैं तो दिन भर क्लास 12th का सिलेबस पढ़ता रहता हूँ, घर आकर 11th की बैकलॉग्स भी क्लियर करनी पड़ती है, कई बार बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बच्चे, अगर पूरे साल भर यही एक्सक्यूज रहा ना
तब तो नीट 2024 ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने से रहा। आप लोगों को पहले तो ये एक्सक्यूज दिमाग से हटाना होगा कि मेरा 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ नीट के प्रिपरेशन बैलेंस नहीं हो सकती। खुद को ये समझाना होगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करना है तो किसी भी हाल में दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन को बैलेंस करना होगा। आप लोगों के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं। बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है उसी सिलेबस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बैंक है। बच्चों इस बुक में आप लोगों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं। चैप्टर के बीच में आप लोगों को QR कोड भी दिए हुए हैं कि इन केस बुक में दिए हुए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लग रहा है समझ नहीं आ रही है तो QR कोड स्कैन करते हुए आप लोग उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो कीवर्ड्स हैं वो भी हाईलाइट कराए हुए हैं। आप लोगों को न सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनमें की स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। बोर्ड्स के PYQs भी इंक्लूड करे हुए हैं और टॉपर्स ने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है ये भी दिखाया हुआ है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2022-2023 का सॉल्व पेपर भी मिलेगा और CBSE ने साल 2022 साल 2023 में जो सैंपल पेपर रिलीज करे थे वो सॉल्व सैंपल पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। साथ ही बुक के एंड में आप लोगों को दो प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, कोई एक्सक्यूज दिमाग में नहीं रहना चाहिए। स्मूथ प्रिपरेशन करने के लिए खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो सीक्रेट टिप नंबर 1, ऑफलाइन गोइंग स्टूडेंट्स फ्रंट रूम में बैठकर प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए प्रिपरेशन करें और क्लास 12 के साथ नीट प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स दिमाग से एक्सक्यूज को हटा दे, इस डाउट को हटा दे कि 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। दूसरी सीक्रेट टिप ये है बच्चों कि आप लोग ना अपने नीट का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा ले। आप लोग कह रहे होंगे दी नीट 2024 का सिलेबस तो अभी रिलीज ही नहीं हुआ, हम क्या प्रिंट आउट निकलवाएं। बच्चों नीट 2023 के लिए NTA ने जो सिलेबस रिलीज किया था आप फिलहाल के लिए उसी सिलेबस का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा दो। उस सिलेबस में से जिन टॉपिक्स को लेकर अभी हम अनश्योर हैं कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा नीट 2024 में, उसे किसी डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दो कि फिलहाल मैं इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जिन टॉपिक को लेकर तुम श्योर हो कि ये मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं उनको डेली टारगेट्स में रखते हुए प्रिपरेशन करना शुरू करो। आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस चैप्टर को हाईलाइट कर दीजिएगा या फिर जैसे जैसे एक टॉपिक कवर होता रहेगा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, ये टॉपिक मेरा हो गया है, अब ये मेरा टॉपिक हो गया है। हर सुबह जब तुम उठोगे अपना सिलेबस चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कितना पार्ट तुमने हाईलाइट कर दिया है, इतना सेक्शन तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है बच्चों जब तुम्हें लगता है कि फाइनली तुम कुछ अचीव कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को नीट 2023 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं, एक लिंक दे रही हूं, उस लिंक के जरिए नीट 2023 का सिलेबस डाउनलोड करिए और क्लास 11 12 का CBSE ने जो रैशनलाइज सिलेबस रिलीज किया है जो जो टॉपिक्स हट चुके हैं CBSE के सिलेबस से NCERT से उन टॉपिक्स की लिस्ट पे प्रोवाइड करा रही हूं। आप लोग NTA के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से नीट 2023 का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए जो कि NCERT से रिमूव हो चुके हैं, फिलहाल के लिए उन टॉपिक्स को मत पढ़िए, लेकिन जिन टॉपिक्स पर हम श्योर है कि नीट में आएंगे आएंगे उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करिए, जैसे जैसे कवर होते चले जाते हैं उन्हें हाईलाइट करते रहिए। तीसरी चीज बच्चे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस में सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शंस है आप लोगों का मोबाइल फोन और दूसरा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। मोबाइल फोन इस टाइम पर जितना ज्यादा जरूरी हो गया एक स्टूडेंट के लिए उतनी ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी बन गया है। और बहुत खूब कहा है किसी ने कि अटैचमेंट लीड्स टू डिटैचमेंट। अगर आप लोग मोबाइल फोन से अटैच हो गए, इससे ज्यादा प्यार हो गया, तो MBBS की वो सीट पाने वाले सपने से डिटैच होते चले जाएंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अटैचमेंट नीट प्रिपरेशन से रखनी है या फिर मोबाइल फोन से रखनी है। जिससे अटैचमेंट होगी दूसरे से डिटैचमेंट होगी, आपको डिसाइड करना है कि अटैचमेंट इधर है या फिर MBBS की सीट है। अगर आप लोग किसी ऐसी रिलेशनशिप में है जिसको आप लोग हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें रहकर आप खुश हैं, वो इंसान आपका पार्टनर आप लोगों की मदद कर रहा है, पढ़ाई में भले ही मदद ना कर पाए बट इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों को बार बार पुश करता है, मोटिवेट करता है कि पढ़, तेरे लिए नीट क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी रिलेशनशिप को तो तुम सजो कर रखो। लेकिन अगर तुम किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां पर हर दूसरे दिन लड़ाई हो रही है, पंगे पर पंगे होते चले जा रहे हैं, उस मूड खराब की वजह से तुम नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो फिलहाल के लिए ऐसी रिलेशनशिप को प्लीज पॉज दे दो, क्योंकि नीट 2024 साल में सिर्फ एक ही बार आएगा। अगर ये इस साल की प्रिपरेशन को तुमने गवा लिया तो अगली बार जब तुम नीट का पेपर दे रहे होंगे वो नीट 2024 नहीं होगा, 2025 होगा मेरी जान। तो तुम देख लो कि किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहकर नीट क्रैक करने के सपने को अपने से दूर करना है या फिर किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप को पॉज देकर पहले अपने गोल पर वर्क करना है। तो इन दोनों सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, किसी से खुद को कंपेयर मत करो,
करो। हर इंसान की जर्नी अलग है। नेगेटिव थॉट्स से जितना हो सके दूर रखो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स कभी भी तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। और कुछ बेसिक टिप्स जो कि हमेशा मैं वीडियोज में देती आई हूँ बच्चों, कि डेली के टारगेट्स रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। दिन शुरू होने से पहले आप लोगों के पास एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स आज मैं करने वाला हूँ। हर हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो, जिसमें तुम 6 दिन पहले तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिविजन करोगे। हर महीने के एंड में पूरे महीने भर जो भी तुमने टॉपिक्स पढ़े थे उसका भी रिविजन करो। तो वीक में एक दिन कंप्लीट रिविजन और मंथ में एक दिन भी तुम्हारा कंप्लीट रिविजन का रहेगा। इस तरीके से पुराना पढ़ावा तुम भूल भी नहीं पाओगे। जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी के तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल सिलेबस, यूनिट वाइज, क्वेश्चन बैंक मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी टीज पर अपलोडेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और बायोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसी तरीके से अगर आप लोगों के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, तो किसी यूट्यूब क्रिएटर के टेलीग्राम चैनल से फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डाउनलोड करो और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक डायग्राम की लेबलिंग, एनसीईआरटी में दिया हुआ फ्लो चार्ट, हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पेपर तो तुम्हारा यहीं से बनकर आता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा बच्चों। नीट की प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो सकती है, बस दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, एक्सक्यूजेस को हटाना है और तरीके ढूंढने हैं बार बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को पकड़ के रखा तो नीट क्रैक नहीं होगा, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने पर फोकस करा तो सोल्यूशन जरूर मिलेगा और नीट क्रैक भी जरूर होगा। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.